ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पीपीई किट पहन महिलाओं के हाथों को सैनिटाइज कर लगाई गई निशुल्क मेहंदी। हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि ये जो गरीब घर की जो इंटीरियर से लड़की हैं, ये आए और ये कम से कम मेहंदी लगा के अपने आप को अपने घर पे भी दिवाली और त्यौहार जैसे जो आगे त्यौहार आ रहे हैं मना सकें, क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल में इकोनॉमी इतनी गिरी है कि सभी लोग बड़े परेशान थे, चाहे नीचे से लेके ऊपर तक कोई भी अमीर है गरीब है सभी परेशान थे। पर इस समय जो बच्चों से इनके लिए जो हम लोग मेहंदी लगा के इनसे खुशी प्राप्त करते हैं ना, वो हम कभी खरीद नहीं सकते। इन लोगों की दुआएं हमें भी बड़ी खुशी मिलती है कि ये लोग अपने घर पे त्यौहार मना सके। कोविड के दौरान जो पिछले 2 साल से ना जो माहौल था, लोगों के मुंह ढके रखे थे, लिपस्टिक वगैरह लेनी थी, ये तो हमारा संस्कृति कैसा त्यौहार है। ये यहाँ पे अपने पति की जो उम्र लंबी करने के लिए तकरीबन लेडीज व्रत रखती हैं। ये व्रत ऐसा त्यौहार है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो इस दिन लोगों ने कुछ ना कुछ खरीदारी भी करनी होती है, खास करके लेडीज ने कलर कॉस्मेटिक लेना होता है। तो इस साल थोड़ा सा उत्साह जरूर लोगों में आया है कि कम से कम मेहंदी भी लगाएं, बाहर निकलें, 2 साल से घर में जो बंद रखे थे तो थोड़ी सी लिपस्टिक भी खरीदारी कर रहे हैं और मेहंदी भी लगा रहे हैं। और ये तो लगा रहे हैं तो जो बच्चे घर पे जो लगा रहे हैं वो भी मेहंदी अपने घर पे कलवा मनाएंगे तो हमें खुशी होगी। तो मेरे पास 10 लड़कियां टोटल लगी हुई हैं, अभी तो 5 है, 5 थोड़ी इधर उधर गई हुई हैं लगाने के लिए, 10 लड़कियां लगी हुई हैं। जो ये 10 की 10 लड़कियां तकरीबन सवेर से बिजी हैं, मेरे ख्याल आज इनके 11-12 बज जाएंगे, क्योंकि एक हाथ लगाने पे राजे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो आप आइडिया लगा लो कि सारे दिन में तो बस 20-25 बेचारी लेडीज एक लड़की लगा पाती है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि हम लोग ना आज भी कोविड के रूलों को साथ में फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि कोरोना चला गया तो हमने कोविड के रूल तोड़ देने हैं। आज भी हमारी लड़कियां पीपी किट पहन के बकायदा कस्टमर का हाथ सैनिटाइजर करके फिर मेहंदी लगा रहे हैं। हमने सब लोग ने त्यौहार भी मनाने, और मेरी सब लोगों से ये अपील भी है कि कम से कम कोविड गाइड रूल के जो गवर्नमेंट ने दिए उसको जरूर साथ में फॉलो करें। अभी कोरोना गया नहीं है, ये थोड़ा सा छुप गया, हमने इसको छुपाए हुए को मारना है, और हम लोग तभी इसको मार सकते हैं कि हम आप गवर्नमेंट के कोविड रूल को फॉलो करते रहे। तो मेरा नाम अनु है, यहाँ पे आके हमें इतना अच्छा फील हो रहा है, जैसे फैमिली जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे हम फैमिली में बैठे हों। पाजी हैं हमारे, बहुत ही अच्छे हैं, हम सारे गरीब लोगों को समझ रहे हैं, हमारी थकावट को भी महसूस कर रहे हैं, हर बात हमारी समझ रहे हैं, हर फीलिंग समझ रहे हैं। हम सुबह से आ रखे हैं पर फिर भी हमें ऐसा नहीं लग रहा हम घर से बाहर निकले हुए हैं, या हमें हमारी रोज़गार भी मिल रही है और हम यहाँ लोगों को फ्री मेहंदी लगा रहे हैं, और कस्टमर भी अच्छा फील कर रहे हैं कि भाई अच्छी मेहंदी लग रही है।